If you think you are a fan of Big Masala movie and you love Chiranjeevi and Salman Khan together in Godfather, then this news will upset you. Because यहाँ पर 5 अक्टूबर को जो Godfather आने वाली थी सलमान खान और चिरंजीवी की, उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं। और 5 अक्टूबर को रिलीज होने की तैयार मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर न मिले तो ये बहुत बड़ा झटका है। इसके पीछे चिरंजीवी की आचार्य का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी कि अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक नहीं मिल रहे हैं और सलमान खान का स्टारडम भी इसमें हेल्प नहीं कर पा रहा है। मे बी इसीलिए उनका ठारमा ठक्करमा का सॉन्ग अभी तक वीडियो रिलीज नहीं हो पाया, बिकॉज वो चाहते हैं कि पहले इस मूवी का मोमेंटम सेट करें फिर उस गाने को रिलीज करें, वरना वो भी फीका साबित हो सकता है। तो क्या इस खबर के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खान और चिरंजीवी का स्टारडम फीका पड़ रहा है? क्या दर्शक सिर्फ कंटेंट पसंद कर रहे हैं और बड़े स्टार्स को बायकॉट कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली इस बात में कोई डाउट नहीं कि ओवर द टॉप यानी OTT कंटेंट आने के बाद पब्लिक बहुत अलर्ट हो गई है। अब वो बड़े स्टार को पोस्टर में देखकर सीधे नहीं जाती, पहले उसके रिव्यू देखती है या फिर उसके ट्रेलर से उसकी फील देखती है। और थोड़े बाद प्रोड्यूसर और पब्लिक जो बेवकूफ बन जाती थी वो 2-3 फ्लॉप फिल्मों के बाद और अलर्ट हो जाती है। ऐसे में शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, सबकी फिल्में पिट रही हैं और कश्मीर फाइल जैसी फिल्में, भूलभुलैया जैसी फिल्में चल रही हैं। तो गॉडफादर का जो हश्र है ये कुछ अलग नहीं है, बिकॉज जो पुराने एक्सपीरियंस है इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बहुत निगेटिव हैं। आचार्य में कई डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स ने करोड़ों का नुकसान झेला और चिरंजीवी ने प्रॉमिस करने के बाद भी अपने पैसे वापस नहीं किए। वही हर लाइगर के प्रोड्यूसर ने किया, करण जौहर ने पैसे वापस नहीं किए। इसी तरह चिरंजीवी अपनी आने वाली मूवी गॉडफादर को लेकर इतनी हैवी फीस डिमांड कर रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के गले नहीं उतर रही है। बिकॉज पहले ऐसा होता था डिस्ट्रीब्यूटर मुंह मांगी कीमत देते थे, उनको भरोसा होता था कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा में बड़े स्टार की मौजूदगी से पैसे रिकवर हो ही जाएंगे भले ही मूवी कितनी खराब हो। लेकिन आजकल मूवी 2 दिन के अंदर इतनी बायकॉट हो जाती है खराब कंटेंट की वजह से कि उसके पैसे रिकवर होते नहीं है। प्रोड्यूसर और एक्टर अपनी जेब में एंट्री करके निकल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर की जेबें खाली हो जाती हैं। इसलिए आचार्य जिसको 140 करोड़ के मेगा बजट में बनाया गया था और मूवी ने महज 74 करोड़ कमाए थे, तो अब सलमान खान चिरंजीवी को ये गॉडफादर में नुकसान देखने को मिल रहा है। वैसे इसका रीजन एक और है, गॉडफादर मलयालम मूवी लूसीफर की तेलुगु रीमेक है और इसके अलावा इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी डबिंग वर्जन में और सबटाइटल में सब देख चुके हैं। तो पहली बात तो ये कि मूवी को लेकर कोई न्यूनेस नहीं है, प्लस सलमान खान का जो कैमियो है सबको पता है एक्सटेंडेड कैमियो पे बहुत लंबा रोल नहीं है, प्लस सलमान की साउथ में कोई ऐसी लॉयल फैन नहीं है। हाँ चिरंजीवी की है, लेकिन चिरंजीवी की पिछले 2-4 फिल्में बहुत बुरी तरह फ्लॉप गई हैं और पब्लिक को उनसे वैसी उम्मीदें कुछ खास है नहीं, जैसे कि उनकी उम्मीदें नागार्जुना से भी कम हो चुकी हैं। ऐसे में गॉडफादर ने भले ही नेटफ्लिक्स पर एक बड़ी डील करके अपना प्रमोशन की बात तय कर ली हो, लेकिन किसी मूवी की असली औकात मालूम पड़ती है उसके डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर प्राइस से, बिकॉज वही एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस डिसाइड करती है कि मूवी कितने बड़े स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है, उसके कलेक्शन कैसे होने वाले हैं। तो गॉडफादर को अपनी ब्रांडिंग प्रमोशन ठीक करनी पड़ेगी, गानों का प्रॉमिस जो करते हैं रिलीज करने का वो टाइम पर रिलीज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सलमान खान चिरंजीवी को अपने वापस से स्टारडम के प्रॉमिसिंग एलिमेंट को पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जब बड़े स्टार की फिल्में OTT पर बिकेंगी नहीं और छोटे स्टार बड़े पर्दे के सुपरस्टार बन जाएंगे। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।